पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है जमी तो जमी आसमां पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/4/2021। हम सब ने गीत सुना, कल भी यही गीत सुना मुरली के अंदर, क्योंकि ये गीत जो है बहुत खुशी दिलाता है, नशा चढ़ाता है। 10 बार भी दिन में सुनेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा। और बाबा कहते कभी भी ऐसे उदासी आ जाती है ना तो ये गीत बजाओ, सारी उदासी भाग जाएगी। बाबा मिला, क्या नहीं मिल रहा है, सतयुग में भी मिल रहा है, जमीन आसमान सबका मालिक बाबा बना रहा है, लेकिन संगम पर अगर हम देखें बाबा से क्या नहीं मिलता। कल भी बाबा ने कहा मैं पूरा वखर देता हूं, दुकान मेरा इतना बड़ा है, हट्टी एक ही है, सब कुछ मैं देता हूँ। और आज बाबा कह रहे बच्चे मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तुम भी अपना पार्ट प्ले करते, मैं भी, मेरा काम है पतित को पावन बनाना। मैं वो जादूगर नहीं हूँ कि मुर्दे को जिंदा करूँ, कृपा करूँ, आशीर्वाद करूँ। मेरा काम है तुमको पढ़ाना, राजयोग सिखाना। मेहनत तो हम बच्चों को करनी है, तब तो ऐसे पावन बनेंगे, बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे।
तो बाबा कहते तुमको बेहोद का मालिक बना देता हूँ, जमीन आसमान सब कुछ तुम्हारे होते हैं। तो ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा की मुरली सुनेंगे मीठे बच्चे। अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जो जहां पर कोई हद ही नहीं है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी तो वंडर है। आज थोड़ा सा टुकड़ा किसको लेना होता है, लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, युद्ध करनी पड़ती है, और हम बच्चे पूरी दुनिया के मालिक शांति से योग बल से लेते, पता ही नहीं चलता है। तो ये जादू किसका? बाबा का। कमाल उस बाबा की, शुक्रिया उस बाबा का। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में ना बाबा भी बंधा हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते मुझे तुम बच्चों के ना सन्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। कई बार बाबा कहते ना ऊपर से कैसे काम करूंगा, प्रेरणा से कैसे करूंगा। अच्छा वो करे भी तो हमें कहां ताकत है कैचिंग करने की, अकल ही नहीं है, आना पड़ता है, मैं बंधा हुआ हूं। जब तक मैं ना हूं तब तक मुंझा हुआ जो सुट है ना वो सुलझ नहीं सकता। सुत माना क्या, कईयों को पता होगा कि जब ये धागों में से छोटे छोटे रील बनाते हैं तो किसमें से बनाते, बहुत बड़ा ऐसे धागों का गुच्छा राउंड में ऐसे पाओ में डालते हैं और ऐसा 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 करके उसमें से रील बनाते। अगर उसमें से कुछ धागे अंदर अटक गए तो कभी ज्यादा अटक जाते हैं ना तो वो बहुत तकलीफ देते, उसको टाइम लगता है बहुत सुलझाने में। तो बाबा कहते ये दुनिया में भी सुट मुंझा हुआ है, गड़बड़ घोटाले भक्ति मार्ग कितनी बातें हमने सुनी हुई है, तो बाबा को आके सब सुलझाना पड़ता है। तो ये काम बाबा ही कर सकता है, कोई मनुष्य आत्मा को ताकत नहीं है सुट को सुलझाने की। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा आशीर्वाद करने नहीं आता हूं, वो करना पड़े तो सब पे करना पड़े, बाबा के तो सभी बच्चे एक जैसे हो जाएंगे। मैं मरे हुए को कोई को जिंदा नहीं कर सकता तो फिर मारता ही क्यों, उसने तो न मारा है न वो जिंदा करता है। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं क्यों आता हूं? मैं आता हूं तुमको पति से पावन बना। गीत तो सभी ने सुन लिया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, गुनगुनाते रहो। आज सारा दिन कर्म करो ना, ये गीत गुनगुनाओ और इसको पक्का भी कर दो, चाहे बजे नहीं ना तो आपका मन गाता रहे। बाबा कहते हैं ओम शांति, गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के ना रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। देखो रोमांच खड़े हो जाते, खुद ही गाओ बाबा को याद करके और फिर चेक करो, क्योंकि तुम सन्मुख बैठे हो। किसके सन्मुख बैठे हैं? भगवान के सन्मुख। सारी दुनिया में बल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आता। कितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, भगवान को जानते ही नहीं, बच्चे ही जानते। नशा चढ़ रहा है, खुशी हो रही है, हम साधारण बच्चे भगवान को जान चुके, पढ़ाई पढ़ रहे, उनके गोद में पल रहे, पालना ले रहे। बच्चे कहते हैं, देखो हम क्या कहते हैं बच्चे बाबा को, बाबा मैं जैसा भी हूं वैसा भी हूं पर तुम्हारा हूं, बोलते ना ऐसे हम,
सभी बोलते, बाबा मैं जो हूं जैसा हूं वैसा हूं, पर तुम्हारा हूं तुम्हारी हूं। अच्छा फिर बाबा जवाब देते, ये देखो कितना प्यार की पालना मिल रही है, ये पढ़कर के सुनकर के अनुभव करो। बाबा कहते हैं तुम जैसे हो वैसे हो, बच्चे मेरे बच्चे हो, गले लगाता है, प्यार करता है, स्वीकार करता है, जैसे भी हो मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वो सब आत्माओं का पिता है, सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से हमको खुशी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती। हर एक कहता है तुम मात पिता हम बालक तेरे। अच्छा दूसरे धर्म वाले गॉडफादर तो कहते ही, पर वो खुशी क्यों नहीं होती, भूल गए। तो वो बाबा हमें वर्षा दे रहा है। बाप खुद समझाते कि इतनी सहज बात भी ना कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। कोई कहता वो खुदा, कोई कहता हे राम, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऐसे पुकारते पुकारते ना प्राण छोड़ देते, इतना पुकारना होता है भक्ति मार्ग में। कई ऐसे नौधा भक्ति साधनाएं करते 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 जपते जपते नाम प्राण छोड़ देते, और वो बाप तुमको पढ़ा रहा है। और नशा पियो जाम पर जाम, वो बाबा हमको पढ़ा रहे, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई। बाबा आया हुआ है हमारे लिए कल्प पहले माफक, कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाकर दुर्गति से हमको सदगति में ले जाता है। ये सब खुशी की बातें याद करो, बाबा क्या कर रहा है हमारा, कैसे कल्याण कर रहा है, सदगति कर रहा है, साथ में ले जाएगा। गाते हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट ब्लवेड स्वीट चिल्ड्रेन। कितनी खुशी दिला रहा है बाबा, कौन है हम बच्चे। बाबा कहते तुम हो मेरे मोस्ट ब्लवेड स्वीट चिल्ड्रेन। भारतवासियों की बात है, बाप भी तो भारत में जन्म लेते हैं। बाबा कहते मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वो प्यारे लगेंगे ना, और नशा चढ़ रहा है। हम भारतवासी खास इस गर्व में हैं, भगवान का बर्थ प्लेस भारत, भारतवासी बाबा को प्रिय है। याद भी सब उनको करते, जो जिस धर्म के हैं वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा समझाते भारत प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहता है कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें हैं ना सुनते रहते हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या कहेंगे, कोई को सही लगती है कोई को नहीं लगती है, तो अलग अलग विचार होते हैं। जैसे कोई कहता है, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गई, किसी को ये बात नहीं मानने में आती है, तो डिस्कस भी करते बोलते भी हैं। कौन कहता है कि शिव ने गीता गाई, कृष्ण भी तो परमात्मा है उसने गाई, परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसा भी बोलते हैं ना।
तो उनका ही तो ये सारा खेल है, ये भगवान सर्वव्यापी है तब तो ये खेल कर रहा है, करा रहा है, ये उनका ही सारा रचा हुआ है, भगवान के ही सारे रूप है, ऐसी मान्यताएं करते रहते हैं। भगवान अनेक रूप धर करके अनेक लीलाएं करता है, भगवान जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे बाबा कहते, दुनिया में लोग बोलते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो माया कितनी प्रबल है। आज कहते, अब बाबा के बच्चों में देखो, आज कहते बाबा हम तो आपसे वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे। बाबा को पहचाना, बाबा से प्रतिज्ञा करते, बाबा हम तो नर से नारायण बनेंगे, और कल देखो तो उड़ गए, है ही नहीं, भागंती, कितना वंडरफुल ड्रामा, कल है ही नहीं वो। तुम जानते हो कितने चले गए, फारगति दे दी, वंडर है, ये भी तो ड्रामा बना हुआ है ना। जब से लेकर के बाबा इस धरती पर आए, भारत में आए, बाबा ने यज्ञ स्थापन किया, सेंटर्स बने, हर सेंटर अगर लिस्ट निकालें, हर बरस में कितने चले जाते हैं, अच्छे अच्छे पुराने। जैसे अभी बाबा बता रहे कि मम्मा को मोटर में घुमाते थे, वो भी आज नहीं है, ये भी कितना वंडर है, ये भी खेल बना हुआ ड्रामा में अरेका पार्ट है। तो बाबा कहते मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। तो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी ना माया के संग में आके गिर जाते हैं, फिर एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा वो समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो, कंपैरिजन तो करो, कैसे बाबा संभाल रहा है हम बच्चों को, सेफ है, बिल्ली के पुंगड़े है ना, बाबा की गोद में हम सेफ बैठे हैं। गीत सुना ना, बाबा याद करा रहा है, गीत सुना ना, फिर से बोलो मन में, रिपीट करो गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आगे भी बहुत अच्छे शब्द हैं, कहते हैं हम ऐसा वर्षा बाबा से लेते हैं कि हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, वहां कोई भी हद की बात ही नहीं है, यहां तो हदें लगी पड़ी है। कहते हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा ना तो हम शूट कर देंगे, पानी पे झगड़ा, मकान पे झगड़ा, जमीन पे झगड़ा, धरती पर झगड़ा, पर अभी आसमान में भी झगड़ा, क्या कुछ नहीं चलता, वहां तो कोई हद की ऐसी बातें होती नहीं है। ये भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते, वो भी गीत है कि भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया थी, हर एक के बात पर गीत बना हुआ है, मतलब जानते हैं पर समझते नहीं। तुम तो जानते हो कि बरोबर बाबा फिर से आए हैं हमको विश्व का मालिक बनाने, फिर ऐसा स्वर्ग आएगा, फिर ऐसा भारत हेवन बन जाएगा। अनेक बार हमने 84 का चक्कर लगाया, थोड़ा समय करके हमने दुख पाया, दुख कितना पाते, बहुत कम पाते हम बच्चे, सिर्फ अभी इस कलयुग के अंत में, आज से 100-150-200 वर्ष पहले भी इतना दुख नहीं था। हमारे दादा परदादाओं की कहानी हम सुनते हैं, 5 रुपया की पगार में भी सुखी रहते थे, बस ये थोड़ा ही समय है जब थोड़ा दुख आता है और हमको बाबा मिल जाता है, इसलिए हमारे नसीब में दुख है ही नहीं। तो बाबा कहते थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को मैं अपार सुख देता हूं, पार नहीं उसका, अंत तक हम बच्चों को बाबा संभालता है। अब बच्चे माया से हारो मत, बाबा के बच्चे तो ढेर हैं, पर सब एक जैसे सपूत भी तो नहीं हो सकते, ये भी तो एक नियम चलता है दुनिया में। जैसे बाबा बता रहे अगर कोई
बाप के 5-6 बच्चे हैं, तो उसमें से 1-2 कपूत भी निकल जाते हैं, तो बाबा के बच्चों में भी नंबर वार है, पर हमें अपने को देखना है कि मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। सपूत माना आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। कोई को 5-7 बच्चे होते, उनमें 1-2 कपूत होते हैं, तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बाप के उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा होता है और बच्चे बिल्कुल चट खाते हैं। अभी तो ऐसे बहुत मिसाल देखते हैं, बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे, साकार बाबा की बात है, अभी तो कितना कॉमन हो गया। तुम बच्चे जानते हो, सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते, मेरा तो बर्थ प्लेस भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है ना, जो जहां रहते हैं तो उस धरती का कदर रहता। दूसरी कोई जगह छोड़ते हैं ना, तो फिर उनको अपने गांव ले जाते। शरीर छोड़ते हैं तो सोचते कि शहर में छोड़ा, अभी इनका जो असली गांव है ना, वहां लेके जावे, उनकी बॉडी को वहां अग्नि संस्कार करे, ऐसे उनकी इच्छा रहती है और लेके भी जाते हैं। बाप भी भारत में आते हैं, तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे, हम फिर से देवता विश्व के मालिक बन रहे। हम मालिक थे, अब देखो क्या हाल हो गया, खुद के भी मालिक नहीं रहे अभी तो, लेकिन कल क्या थे, हम विश्व के मालिक थे, लेकिन बाबा कल फिर बना देगा। कहां से कहां आकर के पड़े हैं, 84 जन्म भोगते भोगते हमारा ये हाल आकर के हो गया। अभी ड्रामा को तो समझना है, बाबा ने तो पूरा ड्रामा बता दिया। इसको कहते हार और जीत का खेल, पूरा बाबा ने कितनी अच्छी तरह बताया ना, ये खेल है, भारत का ये खेल है। अब इसमें तुम्हारा पार्ट है, तुम ब्राह्मणों का ना सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। अब ये भी नशे की बात, आज खूब खुशी की बातें बाबा मुरली में जो सुना रहे ना, अलग अलग निकालो, नोट करो, फिर उसको याद करो। तो बाबा कहते इस ड्रामा में तुम्हारा ऊंचते ऊंच पार्ट है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत ही सुख भोगते हो, तुम्हारे जितना सुख कोई भोग ही नहीं सकता। देखो है ना, एक एक लाइन खुशी की, प्यार की, अरे नाम है स्वर्ग और ये है नर्क, यहां के सुख तो कांगविष्टा के समान है। आज लखपति, दूसरे जन्म में जाके क्या बनेंगे, दिवाला भी निकल जाता, लखपति से रोड़पति बन जाते, ककपति बन जाते हैं, कुछ पता थोड़ी रहता है, क्योंकि ये है पापात्माओं की दुनिया और सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी बच्चे पाप नहीं करना चाहिए। अब बाबा थोड़ा हमको सावधान कर दे, क्योंकि अभी हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं ना, पावन बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस बात का ध्यान दो, अभी तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो, अभी पाप होगा तो 100 गुणी सजा हो जाएगी। सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो ना, कभी भी पाप नहीं करना, हमेशा बाबा से ना सीधा चलना चाहिए। सीधा माना सच्चाई और सफाई से, बाबा को वो बच्चे प्रिय हैं। बाबा कहते देखो ये अमूल्य पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। बाबा कहते मेरे साथ है ना धर्मराज सदैव रहता है। कौन रहता है बाबा के साथ? धर्मराज। कब से लेके रहता है धर्मराज? नोटेड पॉइंट है, द्वापर से लेकर। सत्युग त्रेता में बाबा कहते मेरे साथ धर्मराज नहीं होता, क्योंकि वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन द्वापर युग से विकारों के वशम विकर्म करते हैं तो बाबा के साथ है ना धर्मराज आ जाता है। तो बाबा कहते धर्मराज सदैव है द्वापर से लेकर, सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता, द्वापर से।
तो मेरे अर्थ दान पुण्य भी करते हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया श्री कृष्ण अर्पण। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्पणम तो बाबा कहते फिर भी ठीक है, चलो मैं फल दे देता हूं अल्पकाल का। फिर कहते श्री कृष्ण अर्पणम, या अन्य देवता का भी नाम ले लेते हैं। रिटर्न देने वाला तो एक बाबा है, चाहे किसके भी इष्ट देव के नाम दिया। हमको बाबा ने बताया कि बच्चे फल तो मुझे देना पड़ता है, कृष्ण तो है ही नहीं जो देवे। रिटर्न तो देने वाला बाबा है, इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना ही रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना फिर भी ठीक है। अच्छा, श्री गणेश अर्पण कहेंगे, ऐसे भी कहते हैं, मिलेगा तो कुछ भी नहीं ना, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ फल बाबा दे देता है। मुझे तो कोई जानता ही नहीं, अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम सब कुछ किसके अर्पण करते हैं। देखो कितनी खुशी की बात, शिव बाबा अर्पण, शिव बाबा को समर्पित करते तन मन धन जो कुछ भी है, और रिटर्न में बाबा कितना देता है, छप्पड़ फाड़ फाड़ के दे रहा है। जल्दी जल्दी बाबा को अर्पण कर दो, मन भी तन भी धन भी सब कुछ शिव बाबा को समर्पित करते। बाबा भी कहते हम आए आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी तो है उतरती कला, रावण राज्य में जो भी दान पुण्य करते हैं ना, पापात्माओं को देते हैं। कला नीचे उतरती है, करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए, थोड़े समय में के लिए मिल जाता है। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिल रहा है। उनको कहते ये राम राज्य, ऐसे नहीं कहेंगे कि वहां ईश्वर का राज्य है। कहां? सत्युग में राज्य देवी देवताओं का है, ईश्वर का नहीं। बाबा कहते मैं थोड़ी राज्य करता हूं, ईश्वर तो बाबा है, मैं तो राज्य करता नहीं। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वो प्रायलोप हो गया, वो अभी फिर से बाबा स्थापन कर रहे। बाबा तो कल्याणकारी है, बाबा को क्या कहेंगे, बड़ा अच्छा प्यारा नाम सच्चा बाबा। बाबा कौन है? सच्चा बाबा तुमको सच नॉलेज दे रहा है, अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, सुना दी ना बाबा ने, कितना ज्ञान दे दिया, पूरा वखर दे दिया, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर क्या किया, भक्ति मार्ग में हिंसा चक्कर बता दिया, गला काटा। असल तो ये ज्ञान का चक्र है, परंतु ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र है। कौन सा? एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र जो बाबा ने बनवाए। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, सारा सुत मूंज गया। बाबा के सिवाय कोई सुत सुलझा नहीं सकता, बाबा खुद सन्मुख आए हैं। कहते मुझे ड्रामा अनुसार आना पड़ता है, मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ये नहीं हो सकता कि मैं आऊं ही नहीं, ये भी नहीं चल सकता। अच्छा, ऐसे भी नहीं कि आकर के मरे हुए को जिंदा करूं या किसको बीमारी से छुड़ा दूं, ये धंधा मैं थोड़ी करूंगा। बहुत बच्चे कहते हैं, आपने है ना उसमें से, क्या कहते बच्चे, बाबा हमारे ऊपर कृपा करो ना। अरे बाबा ने तो बड़ी कृपा कर दी, धरती पर आ गया, पति दुनिया पति शरीर, इतनी मेहनत कर रहा है, वो कोई कम कृपा है? श्रीमत दे रहा है वही कृपा है। लेकिन यहां कृपा की बात नहीं।
तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो, कि हमें कोई घाटा न पड़ जाए। तुम मुझे बुलाते हो, हे पति पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी हैं, बीमारियां तो वही मिटा देते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया के मालिक बनाओ, शांति दो, ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर के छुड़ाओ। हमेशा के लिए शांति मुक्ति हमेशा के लिए नहीं मिल सकती, पाठ बजाना पड़ेगा। जो पीछे आते हैं ना उनको शांति कितनी मिलती, जो लास्ट आएंगे बहुत शांति मिलेगी। अभी तक आते रहते हैं तो जो अभी आ रहे हैं ना, इतना समय वो कहाँ रहे शांति धाम। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे ना, पार्ट तो बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं, पिछाड़ी में आती रहती है। जो ड्रामा बना हुआ है पिछाड़ी वालों को तो पिछाड़ी में आना पड़ेगा। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए ना, ये सब तुमको समझाने हैं। औरों को भी और भी चित्र निकलते रहेंगे, ये जो बाबा ने बनवाए फिर बाबा कहते और भी निकलते रहेंगे। कल्प पहले के मिसल 84 जन्म का विस्तार किसमें है? झाड़ के अंदर है, और ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी भी निकली, फिर और मुख्य चित्र सीढ़ी। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जैसे बुद्धू। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परमपिता परमात्मा, जो ज्ञान के सागर है, शांति के सागर है, वो हमको इस तन के द्वारा पढ़ा रहे। बाबा कहते मैं आता हूं उनमें जो पहले पहले विश्व का मालिक बना था। तुम भी जानते हो कि बरोबर हम भी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनते। गीता में तो ये बातें नहीं है, बाबा खुद कहते ये खुद ही नारायण का भगत था, पूजा करता था। कौन? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ट्रेन में भी बाबा मुसाफरी करते थे ना, गीता जरूर पढ़ते थे, हमेशा साथ में रखते थे। मनुष्य समझेंगे ना कि ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वह सब बातें ना भूलते जाते हैं, फिर भी इसमें इसने गीता आदि तो पढ़ी है। बाबा कहते मैं तो ये सब जानता हूं। अब तुम विचार करो हम किसके आगे बैठे हैं, ये देखो, याद करो किसके आगे बैठे। जिससे विश्व के मालिक कम बनते, और उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हैं? इतनी प्राप्ति होती है, भूल क्यों जाते हैं? बाबा कहते तुमको मैं 16 घंटा फ्री कर देता हूं, 8 घंटा तो मुझे याद करो। 16 घंटा फ्री कर दिया, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कम से जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। देखो अपना चार्ट, अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं करते हैं, अभी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे सब चेक करो। ये अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। 8 घंटा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी अब तो निरंतर भी करना है याद बाबा को। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण फर्स्ट क्लास करते हैं, पर बाबा कहते योग चाहिए ना, योग बिल्कुल नहीं। योग की यात्रा ही तो मुख्य है। बाबा कहते सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, तो क्या करना है? सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करो। 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल होता, 2 से 5 आत्मा रात को आत्मभिमानी बन जाती है, तो उसको नींद कहते। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके क्या करो, बाबा को याद करो। अब बाबा कहते मन मना भव, ये है चढ़ती कला का मंत्र, वशीकरण मंत्र, ठीक है? बाबा को याद करने पर ध्यान देना है, पावन बनना है, देवी गुणों को धारण करना है, नशे में रहना है। कौन मिला, कौन पढ़ा रहा है? अच्छा,
मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला बाप से सीधा सच्चा होकर चलना है, ईमानदार कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए क्या करना है, सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है, सपूत और सच्चा। दूसरा कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है, गिनती करो, चार्ट रखो, चेक करो, याद मुख्य है, उनसे ही तो विकर्मों का बोझा उतरता है, वरदान है। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज करके सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में ना ढाल बन जाता है, देखना पड़ेगा पुरुषार्थी शब्द सही जगह यूज करो। जब कोई भी गलती होती ना तो क्या कह देते, हम तो पुरुषार्थी है ना, गलती तो होगी ना, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकता, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष माना, आत्मा समझ के चलना। तो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, और वे कभी रुकते नहीं और हिम्मत और उल्लास को कभी छोड़ते नहीं। इसको कहते सच्चा पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान माना विजयी, तो वो हम बन जाते हैं मालिकपन की स्थिति में स्थित। तो वो बाबा कहते बच्चे हमेशा समझो मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिमान। अच्छा, ओम शांति।